भाई साहब, धरती में अगर कहीं स्वर्ग है और उसे आप दिलो जहन गुर्दा से महसूस करना चाहते हो तो ड्यून 2 वो साक्षात देवी है जो कि ना कि सिर्फ आपकी आंखों को सुकून देगी बल्कि आपका दिल भर जाएगा। भाई साहब, ड्यून 1 ऑस्कर विनिंग मूवी थी इन द फील्ड ऑफ VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स, क्योंकि इतने रियलिस्टिक VFX आपने कभी नहीं देखे होंगे। डेफिनेटली लिख कर ले लो अगर आप हॉलीवुड के फैन हो तब। दूसरा, ये मूवी आपको तभी समझ में आएगी जब आपने ड्यून फर्स्ट पार्ट इसका देख रखा होगा तब। तीसरी बात ये कि भाई साहब, IMDb की लिस्ट में ड्यून पार्ट 2 जो अभी चल रही है 10 out of 10 की रेटिंग के साथ ये नंबर 1 पर बैठी पड़ी है। तो भाई साहब, हमने भी मूवी देख ली है, उसको रिव्यू करने वाले हैं, वो भी ऑनेस्टली स्पॉइलर फ्री, और ये भी चेकआउट कर लेंगे कि ये मूवी वाकई में 10 out of 10 की रेटिंग के लायक है या नहीं है। और अगर अभी तक आप लोगों ने भी नहीं देखी है और इस मूवी को देखने के लिए भाई मन बना रहे हैं तो आपको यहाँ से एक वैलिड रीजन मिल जाएगा कि देखनी है तो क्यों देखनी है, अगर नहीं देखनी है तो क्यों नहीं देखनी है। फिलहाल तो देखने पर ही फोकस कराया जाएगा ऑनेस्टली। तो रिव्यू करेंगे, उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे फर्स्ट पार्ट में ड्यून के वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाया गया था, लेकिन सेकंड में क्या है, उसका मेंटेनेंस की हाउ टू रूल, हाउ टू मेंटेन ऑल दैट थिंग जो फर्स्ट पार्ट में हो रखी हैं, जो मैं कह रहा हूँ सेकंड पार्ट में बाखूबी एक एक हिसाब से कर रखा है, नॉट इन द कास्ट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई साहब, डायरेक्शन के हिसाब से भी, और जो रिप्रेजेंटेशन है स्टोरी की वो जिस हिसाब से पहले तो प्लॉटिंग देन उसके बाद रिप्रेजेंट उसको किया है भाई, चुमेश्वरी है। बल्कि मेन कैरेक्टर पॉल ऐसे रेस्पेक्टेड क्लैन से बिलोंग करता है जिसके बाप को मार दिया गया है, उसका सत्ता उसका राजपाट छीन लिया गया है, वो अपनी माँ के साथ वो छुप छुपा के कहीं ना कहीं रह रहा है और एक ऐसी टुकड़ी टुकड़ी में छोटी छोटी आर्मी अपनी सेट कर रहा है उस राज सत्ता को लेने के लिए जिसका वो एक्चुअल वारिस है। और एक ऐसी एडवेंचर ड्रामा मूवी है जिसमें आपको पॉलिटिक्स भाई पेल के मिलेगी, ड्रामा देन उसके बाद एक्शन तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा। भाई मैं लिटरली बताऊं, पॉलिटिकल एंगल के मामले में फैन हो गया, जिस हिसाब से इसकी प्लॉटिंग देन उसके बाद रिप्रेजेंटेशन किया है भाई वो टच करके गया। अगर आप थोड़ा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हो तो ये मैं कहूँगा मेन एंड एंगेजिंग पार्ट है मूवी का, क्योंकि यहाँ जिस हिसाब से स्टोरी बिल्डअप हो रही है वो उसके बाद एक एक सीन में उतना जान भर देना। दूसरा कि यार जो डिटेलिंग पर काम किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्शन मूवीज में डिटेलिंग पर उतना काम किया नहीं जाता है, लाइक छोटे मोटे सीन्स में कई बार ऐसा होता है कि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, बस उठाया क्योंकि हमने राइट कर दिया है और उठा के वहां पर रख दिया है, लेकिन उसके पीछे उतना कोई वैलिड एंड ठोस रीजन नहीं होता। लेकिन इस मूवी में आपको वो हर एक चीज महसूस करने को मिलेगी कि ये छोटा सा सीन भी अगर यहाँ पर है तो क्यों है, क्योंकि इसके पीछे की ये कहानी है, दैट्स वाई कि इसको यहाँ पर रखना जरूरी भी हो गया था। दूसरा यार, क्लाइमैक्स से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि जिस हिसाब से इस मूवी को पूरा बिल्डअप किया गया था उस एक मोटे से पार्ट के लिए जिसके लिए वेट था लोगों को, लेकिन उस मोटा से पार्ट को ऐसे फुस्की बॉम्ब की तरह दिखा देंगे, यानी जो उसका विलेन है वो बहुत ही क्रूअल है और ये डेरिवेशन सेट अपने आप हो जाएंगे कि भाई जब ये हीरो के सामने आएगा जो कच्ची उम्र का बंदा है जिसके पास कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो सामने वाला है भाई वो मजा हुआ खिलाड़ी है तो वो क्या हाल कर देगा। लेकिन जो इस मूवी का जो पार्ट है जो बना के रखता है, जो इस मूवी में जान भरता है भाई, VFX विजुअल इफेक्ट क्या जान भरी है, बाप लेवल्स ऑफ VFX हैं, बाप लेवल का विजुअल इफेक्ट है, कलर ग्रेडिंग क्या हिसाब की देखने को मिलेगी, मतलब भाई ब्लैक एंड वाइट में भी कलर ग्रेडिंग का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस। देन उसके बाद चौथा जो आता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट जो इस मूवी को पूरा खड़ा करके रखता है स्तंभ में, वह है इसका म्यूजिक एंड VGM, छोटे से भी सीन्स में इतना जान भर देना वो, और ऐसा नहीं कि भाई साहब आपने KGF 2 या सलार की तरह भैं म्यूजिक लगा दिया हो, जहां पर पोटेंशियल ज्यादा है वहां पोटेंशियल हाई है, लेकिन जहां पर कम है वो लो टोन में आपको दिखाया जाएगा, आपके कानों में दर्द नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। और म्यूजिक एंड VGM में भाई क्या स्पेशलिटी होती, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, यहां से बिल्कुल आपको फील होगा कि यार वाकई में अगर ये म्यूजिक VGM इसके साथ ना होता तो मजा नहीं आता। तो VFX एंड म्यूजिक भाई BGM ने जान लूट ली, दिल लूट गया, तो वो भी दमदार है। मैं बाकी आपको एट लास्ट लगेगा कि यार आप एक नई दुनिया में एंट्री कर चुके थे जो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप उससे कनेक्ट हो जाओगे और लास्ट में जब ये मूवी खत्म होगी तो आपको लगेगा कि यार आपकी दुनिया उजड़ चुकी है, क्योंकि आप उस दुनिया से फिर डिसकनेक्ट हो जाओगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके जरूर देखो, क्योंकि ऐसी मूवी यार बार बार आती नहीं है। दैट्स माई रिव्यू, बाय बाय।